गुड इवनिंग दोस्तों, सिद्धार्थ किचन में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं मशरूम की सब्जी। सब्जी के लिए मशरूम हमने 200 ग्राम मशरूम लिया है, 3 से 4 प्याज है, ये थोड़ा सा हरा मटर है, 4 से 5 हरी मिर्च, ये 2 छोटे साइज के अदरक, और ये आधा टमाटर। तो ये चलिए बनाते हैं हम लोग मशरूम की सब्जी। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद से प्याज। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा जीरा को डाल दिया है, और उसे अच्छे तरीक़े से थोड़ा ब्राउन होने तक हम लोग इसको भूजेंगे। उसके बाद इसमें बाकी का मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ इसको भून के ही उतारेंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग पानी का यूज नहीं करेंगे, लटपट हम लोग इसको उतारेंगे। दोस्तों जैसे लगे देख रहे हैं, थोड़ा सा ये लाल हो गया, इसमें हम लोग मशरूम को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी प्याज में भुना जाए अच्छे तरीके से। मशरूम और मटर को हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से देख रहे हैं दोस्तों किस तरह तरह ये इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद इसमें मसाला को हम लोग ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि हमने इसमें नमक को ऐड कर दिया है, हल्दी कम से कम 1.5 चम्मच के करीब में, और मिर्चा तीखा जिस हिसाब से खाते हैं उसे हम दें, इसमें 1.5 चम्मच मिर्चा रखे हैं, और 1 से 1.25 चम्मच के करीब में जीरे मिर्च धनिया, और 1/2 चम्मच किचन किंग इसमें डाले हैं, और इसे अच्छे तरीके से हम लोग चला लेंगे। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने 1 चम्मच के करीब में लहसुन और जो अदरक जो रखे थे उसको हमने कूट करके इसमें डाल दिए हैं। इसे भी इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग धनिया पत्ता को भी ऐड करेंगे। इसमें अब धनिया पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और किचन किंग डाल दिए थे, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसे धीमी आंच पर इसे भुनेंगे। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे हमारा ये मशरूम की सब्जी बन करके हमारी तैयार हो रही है। बस 3 से 4 मिनट में ये हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे कि मसाला चारों तरफ से पक जाए। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ये मशरूम मसाला बन करके तैयार हो गया है। आइए इसकी आप प्लेटिंग करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ये मशरूम बनकर के रेडी हो गया है। आप भी इसे बनाइए, इसे खा के बताइए कैसा लगता है। थैंक यू।